नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वाले में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है RRB जयपुर वालों के लिए। उनकी पैनल लिस्ट अपडेट कर दी गई है, पैनल पार्ट वन। बहुत दिनों से इंतजार था RRB जयपुर वालों को अपनी पैनल लिस्ट आने का, तो फाइनली उनकी पैनल लिस्ट आ चुकी है। टोटली 4009 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है पैनल पार्ट वन के अंदर। पैनल पार्ट टू भी बहुत जल्द आने वाला है। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट जो RRB जयपुर से बिलोंग करते हैं। बाकी अगर किसी भी जोन की अभी तक पैनल लिस्ट नहीं आई है, उसका भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर के द्वारा पैनल लिस्ट निकाल दी गई है। यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है केंद्रीकृत योजना सूचना 2/2018 जो आप लोगों की ग्रुप डी की वैकेंसी थी 2018 के अंदर निकली थी, उसके द्वारा 17/9/2018 से आप लोगों का 17/12/2018 तक जो है पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करा गया। और जयपुर में जोधपुर को 24/3 से लेकर 2/4 तक आप लोगों का PET कंडक्ट कराया गया था। और आप लोगों का जो DV था वो देखिएगा 24/4 से 10/4 तक मूल दस्तावेजों के सत्यापन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब इसके द्वारा जो कम्प्लीटली दस्तावेजों में और आप लोगों का मेडिकल में पास कैंडिडेट हैं, यानी अंतिम पैनल पार्ट वन जारी कर दिया गया है। और टोटल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है वो है 4009 कैंडिडेट, जिसके अंदर UR के 2279 कैंडिडेट हैं। और देखिएगा, SC के 532 कैंडिडेट हैं और ST के लिए 298 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। यहाँ पर नीचे देखिएगा, OBC के लिए आप लोगों को 576 कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 199 कैंडिडेट हैं। और एक्स सर्विसमैन में देखिए, जितनी सीट एक्स सर्विसमैन के लिए थी उतने कैंडिडेट अगर नहीं हो पाते हैं तो आप लोग कोई किसी और लिस्ट में नहीं आएंगे वो कैंडिडेट, ये आप लोगों का रूल था। लेकिन बात करते हैं CCA के लिए, तो 88 कैंडिडेट हैं। अगर CCA के कंप्लीट कैंडिडेट नहीं हो पाते हैं तो आप लोगों का, और यहाँ पर नीचे देखिएगा आप लोगों का नोट दिया हुआ है, जिन अभ्यर्थियों की वास्तविक जांच अभी पूरी नहीं हुई है उन्हें पार्ट पैनल वन पर नहीं रखा गया है, तथा जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को पार्ट टू जारी की जाएगी। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप लोगों की पार्ट टू मेंशन आप लोगों की जारी की जाएगी। उक्त परिणाम को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, किंतु अनजानी भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर इसे सुधारने के अधिकार सुरक्षित रखता है। तो ये आप लोगों का लिया गया है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, जिनका भी इसमें पैनल पार्ट वन में नाम है और वो कैंडिडेट बिल्कुल ही ऑथेंटिक वे से आए हैं तो उनकी सिलेक्शन पक्का है। तो 4009 कैंडिडेट जिनका भी नाम है उनका सिलेक्शन आप लोग पक्का समझिएगा। नीचे आते हैं तो आप लोगों का पैनल दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा पार्ट वन पैनल आप लोगों का, देखिए PH कैंडिडेट के लिए फिजिकली हैंडीकैप जो थे उनके यहाँ पर नाम मेंशन है, आप लोगों के फादर नेम मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, और किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये यहाँ पर आप लोगों की मेंशन है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी मेंशन की गई है। यहाँ पर देखिए आप लोगों की अलॉटमेंट दी गई है कैटेगरी वाइज। तो ये कैटेगरी क्या है, तो आप लोग जब भी आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे तो आप लोगों का जो भी नोटिफिकेशन आया होगा उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कैटेगरी और उसका नाम, तो आप लोग वो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख लीजिएगा कैटेगरी टू आप लोगों की हेल्पर की कैटेगरी है, तो आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी सारी कैटेगरी। तो आप लोग अलॉटमेंट भी बता दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग की अलॉटमेंट भी दे दी गई है और आप लोग का पैनल में कंप्लीट पूरा पैनल दिया है, एक बढ़िया वे से पैनल दिया है। थोड़ा टाइम लगाया है लेकिन सभी की अलॉटमेंट दे दी गई है। यहाँ पर देखिए आप लोगों की सेकंड लिस्ट CCA वाले कैंडिडेट के लिए, अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के, तो उनकी भी पैनल लिस्ट दे दी गई है। टोटल 88 कैंडिडेट थे, तो देखते हैं 88 कैंडिडेट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं तो 88 कैंडिडेट के टोटल नाम है इसके अंदर और सभी की जो है कैटेगरी भी यहाँ पर दे रखी है कौन सी कैटेगरी में। अब नीचे आते हैं तो नीचे देखिएगा एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट का नाम मिल जाएंगे। एक्स सर्विसमैन में देखिए आप लोगों का नाम दे रखा है और बाकी आप लोगों की कैटेगरी अलॉटमेंट दे रखी है, किस कैटेगरी में अलॉट किए गए हैं। यहाँ पर सभी कैंडिडेट के नाम है एक्स सर्विसमैन में जो सिलेक्टेड हुए हैं ग्रुप डी के अंदर। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के सभी के नाम यहां पर देखने को मिल जाएंगे जो 199 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं RRB ग्रुप डी 2018 की वैकेंसियों में RRB जयपुर के द्वारा। तो यहां पर हम नीचे आ जाते हैं तो टोटल आप लोग एक कैंडिडेट हो जाते हैं। यहां पर देखिएगा टोटल 199 कैंडिडेट हैं, तो इसके अंदर भी बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए अगर आगे चलते हैं तो आप लोगों का
पहला पार्ट यूआर कैंडिडेट का दे रखा है, तो यूआर कैंडिडेट के अंदर देखिए आप लोगों का टोटल लिस्ट दे रखी है। तो देखिए इसके अंदर ओबीसी के भी नाम हैं, एससी के भी नाम हैं, तो ये भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूआर की सीट पर अपना एडमिशन लिया है ज़्यादा नाम ज़्यादा मार्क्स लेने के कारण, और वो यूआर की कैटेगरी को अलॉट किया है, और आप लोग एससी ओबीसी की कैटेगरी अलग है। तो ये यूआर कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं यूआर कैटेगरी के अंदर, यूआर नहीं यूआर कैटेगरी के अंदर जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। बाकी सभी कैंडिडेट की कैटेगरी भी यहाँ पर दे रखी है, अलॉटमेंट कौन सी पोस्ट पर उनको अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर सभी आप लोगों को कैंडिडेट को मिल जाएंगी, मोस्टली 14 नंबर का आप लोगों का ज़्यादातर वैकेंसीज हैं, शायद ट्रैकमैन की वैकेंसी होने वाली है। और नीचे चलते हैं तो ये भी यूआर के लिए है। तो अब आगे आप लोगों की जो कैटेगरी है यहाँ पर भी यूआर के लिए है। टोटल कैंडिडेट देख लेते हैं कितने सिलेक्शन, हाँ 2000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे इसके अंदर, तो हम पूरे 2000 कैंडिडेट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों की बहुत बड़ी 63 पेजों की लिस्ट है, और टोटल 63 पेजों की लिस्ट पर आप लोग सभी अपना नाम चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर शायद सर्च लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आएगा, तो आप लोगों को पर्टिकुलरली नाम चेक करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा आप लोगों का मुश्किल की बात है क्योंकि ये इमेजेस हैं आप लोगों की। तो एक बार ज़रा चेक करके देख लीजिएगा आप लोगों का नाम इसके अंदर लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। एक बार ये आप लोगों का पीडीएफ फाइल बहुत अच्छे वे से देते तो उसमें सर्च भी हो जाता नाम। बाकी ये हमारी बात हुई जब जयपुर में, तो उनके द्वारा बताया गया कि मैसेज भी आप लोगों को आएगा और आप लोगों के घर लेटर भी आएगा। तो देखिएगा यूआर कैंडिडेट के 2279 कैंडिडेट के टोटल नाम है यहाँ पर। सेकेंड लिस्ट ओबीसी की चालू हो जाती है, और ओबीसी कैंडिडेट के नाम है, ओबीसी में देखिए सभी कैंडिडेट ओबीसी के होने वाले हैं इसके अंदर, और सभी के अलॉटमेंट भी यहाँ पर दे दी गई है। और ओबीसी वाले कैंडिडेट में टोटल आप लोगों के सिलेक्शन बता देते हैं हम कितने हुए थे, टोटल आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था ओबीसी कैटेगरी में। नीचे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों की ओबीसी कैटेगरी चली हुई है अभी, तो टोटल आप लोग सभी के अपने नाम चेक कर लीजिएगा। 53 पेज तो हो गए हैं, 10 ही पेज रह रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाई देते हैं हम सारी लिस्ट। ये देखिएगा 284 कैंडिडेट, और यहाँ पर आप लोगों की नेक्स्ट आप लोग की एससी कैटेगरी की लिस्ट चालू हो जाती है, और एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी की दोनों लिस्ट हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों अब टोटल आप लोगों की लिस्ट हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं बाकी बचे हुए कैंडिडेट की, क्योंकि आप लोगों की पैनल पार्ट टू भी आने वाली है। 4009 कैंडिडेट ले लिए गए हैं, आप लोगों की अभी भी 700 प्लस वैकेंसियाँ खाली हैं। तो ये जो 700 प्लस वैकेंसियाँ खाली हैं इनको किस तरीके से भरा जाएगा, तो देखिए इनके लिए पार्ट टू आएगा पैनल, और अगर पार्ट टू में भी अगर वो कैंडिडेट कंप्लीट नहीं हो पाते जितने कैंडिडेट उनके नीड हैं, तो डीवी की सेकंड स्टेज चालू होगी। तो ये सिर्फ जब ही पता चल सकता है जब पार्ट टू अपडेट किया जाए, अगर पार्ट टू में उतने कैंडिडेट नहीं हो पाते हैं तो डीवी की सेकंड स्टेज चालू होगी। जो पीईटी में क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनका नाम आएगा 100% अगर इस तरीके से प्रोसीजर होता है कि पार्ट टू में कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब पार्ट टू आने में अभी टाइम लगेगा, देखिए पार्ट टू में उन कैंडिडेट के नाम है जिनका डीवी में कोई प्रॉब्लम हुआ है, जिन कैंडिडेट का बायोमेट्रिक थोड़ा बहुत इशू है, तो उन कैंडिडेट का इशू सॉल्व होने में टाइम लगेगा, तो पार्ट टू होने में टाइम है। और जो पैनल पार्ट वन में जिन कैंडिडेट का नाम है इनकी ज्वाइनिंग पहले शुरू हो जाएगी। तो देखिएगा हर किसी जॉन की देख रहे हैं तो 15 से 20 दिन लग रहे हैं पैनल पार्ट आने के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग में, तो आप लोगों की जो जयपुर वाले कैंडिडेट हैं इनकी ज्वाइनिंग में भी 15 से 20 दिन लगने वाले हैं। जैसे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग शुरू होगी हमारे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन हुआ है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग आती है हमारे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी। क्योंकि हमारे साथ के कुछ कैंडिडेट हैं, 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जयपुर से सिलेक्टेड हैं और उनका पैनल लिस्ट के अंदर नाम है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो, तो और हमको पर्सनली जानते भी हैं, तो जैसे ही उनके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। और डीवी की सेकंड स्टेज के बारे में भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। देखिए डीवी की सेकंड स्टेज शुरू हो चुकी है आरआरसी डब्ल्यूआर के द्वारा, तो हमने आप लोगों को अपडेट कर दिया है उसके बारे में, और आरआरसी डब्ल्यूआर की ज्वाइनिंग भी कम्प्लीटली हो ही चुकी है, सभी की अलॉटमेंट बता दी है। इसी तरीके के आप लोगों के अलॉटमेंट तो पैनल में ही बता दी गई, तो आप लोगों के कोई अलॉटमेंट का इस तरीके से लिंक तो एक्टिवेट नहीं होने वाला है, बस आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आने बाकी हैं, तो वो आप लोगों के 15 से 20 दिन में आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले आप लोग के अपडेट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।